नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल गार्डन और रूम्स में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, भीषण गर्मी भी पड़ने लगी है और टेम्परेचर तो यहाँ का 37 से 38 डिग्री तक जा रहा है। तो ऐसे में हमें अपने प्लांट्स को अच्छे से बचाना है, हमें उनको ज़्यादा धूप में नहीं रखना है और उनको किसी शेडेड एरिए में रखना है, तभी हमारे प्लांट्स ठीक से सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज धूप में तो प्लांट्स हमारे खराब ही हो जाते हैं। तो आज जिस प्लांट्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो ये ऑर्नामेंटल प्लांट मोर पंखी के बारे में बताऊंगी। इसको थूजा भी कहते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट लगता है ये, और मोर पंखी इसका नाम है, थूजा भी इसको बोलते हैं और इसको विद्या का प्लांट भी कहा जाता है। और कहते हैं ये प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है, वो घर के एंट्रेंस पर रखना बहुत शुभ मानते हैं इस प्लांट को। तो इसके बारे में कुछ केयर के टिप्स बताऊंगी और यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने प्लांट्स को अच्छे से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी सनलाइट के बारे में, किसको कहाँ रखना है। मेन इशू सनलाइट का ही होता है और वाटरिंग का है, तो दो बातों का तो हमें स्पेशली ध्यान देना है। तो इसको कहाँ पर रखना है तो लोगों को पता नहीं होता है, लोग जो नए होते हैं गार्डनिंग में वो नर्सरी से प्लांट तो ले आते हैं लेकिन उनको ठीक से नहीं पता होता है कि कितनी सनलाइट देनी है कितनी नहीं देनी है। अधिकतर प्लांट्स को लोग सनलाइट में रख देते हैं तो प्लांट उनके खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए, सुबह की बस एक घंटे की धूप काफ़ी है इसको। वैसे तो कहते हैं कि धूप में ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ता है लेकिन ऐसी गर्मी में जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर जाता है तब हमें इसको ब्राइट एरिया में रखना है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है। तो इसको आप जो है शेडेड एरिया में रखिए, सनलाइट में रखने, ज़्यादा धूप में रखने से इसकी लीव जो है बर्न हो जाएंगी और ये प्लांट जो है ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। स्पेशली आप धूप का बहुत ध्यान रखिएगा। और सेकंड नंबर पर बात करते हैं वाटरिंग की, तो ये प्लांट जो है इसको वाटरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा इसकी जो मिट्टी है सॉइल है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। अधिकतर प्लांट्स में हम लोग कहते हैं कि जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए हमें तब पानी डालना है, लेकिन इस प्लांट में ये बात होती है कि इसमें जब ऊपर की मिट्टी जो है उसमें नमी बनी रहे और हमें तभी पानी इसमें डालना है। और पानी इतना भी नहीं डालना है कि मिट्टी सोगी हो जाए यानी कि कीचड़ वाली बन जाए मिट्टी, तो उसमें रूट रोट होने का डर रहता है। तो पानी जो है वेल ड्रेन होना चाहिए, सॉइल भी आपकी ऐसी होनी चाहिए पानी नीचे से बिल्कुल अच्छे से निकल जाए और ऊपर जो है अच्छे से नमी बनी रहे। समय समय पर आप इसको पत्तियों को मिस्ट करते रहिएगा, मिस्टिंग मतलब पानी इसके ऊपर जो है आप इस तरीके से इसको गीला रखते रहिएगा तो इससे आपकी पत्तियां हमेशा ग्रीन रहेंगी, देखिए इस तरीके से। और मेरे पास इसके दो प्लांट हैं और मैं अच्छे से केयर कर रही हूँ इसकी, मिस्टिंग से बात जो है हमारे प्लांट अच्छे रहते हैं, धूल मिट्टी हट जाती है और प्लांट जो है हेल्दी दिखते हैं। तो आप पानी का ध्यान रखिएगा, सनलाइट का ध्यान रखिएगा और सॉइल आपको बताया है कि वेल ड्रेन होती है, वेल ड्रेन में आप ऐसे ले सकते हैं कि 30% गार्डन सॉइल 30% कंपोस्ट, कोई सा भी कंपोस्ट आप ले लें, काउ डंग ले लें, किचन वेस्ट का बना कंपोस्ट ले लें, और 30% जो है इसमें सैंड डालिएगा और 10% कोकोपीट। कोकोपीट से ये फायदा होगा कि आपकी इसमें मिट्टी में जो है नमी बनी रहेगी और आपका प्लांट जो है ठीक से सर्वाइव करेगा। तो ऐसी मिट्टी लेकर के आप अपना प्लांट उसमें लगाइएगा। और अगले नंबर पर आप बात करेंगे फर्टिलाइजर की, तो ज़्यादा डिमांड नहीं है इसकी फर्टिलाइजर की। जैसे हम और प्लांट्स में साल में दो बार फर्टिलाइजर डालेंगे, एक फरवरी में और दूसरा सितंबर में। और फर्टिलाइजर में आप इसमें काउ डंग कंपोस्ट डालिएगा और समय समय पर हर 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार आप कोई सा लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। इसमें आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर डालिएगा, जैसे कि काउ डंग कंपोस्ट जो है वो सबसे अच्छा रहता है। आप उसको लिक्विड रूप में भी डाल सकते हैं, काउडम को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखिएगा और दूसरे दिन उस पानी को इसमें डालिएगा तो उससे जो है ग्रीनरी बनी रहेगी, आपका प्लांट हरा भरा दिखाई देगा। अब बात करते हैं इसके प्रोपेगेशन की, तो इसमें दोस्तों वो इसके जो सीड्स होते हैं वाइट वाइट कलर के वो दिखाई देते हैं, तो उसको सीड से इसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं या स्टेम कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज आप नर्सरी से ऐसा ही जो है इसका प्लांट लाएंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा, 90 से 100 रुपए के बीच में ये प्लांट आपको नर्सरी से मिल जाएगा। तो वो प्लांट आप लगाइएगा, ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, आपकी बालकनी में बहुत अच्छा भी लगता है
और एक बात दोस्तों और बताऊँ आपके साथ शेयर करूँ, ये प्लांट ऑर्नामेंटल तो है ही, हम सभी लोग जानते हैं कि देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। ये होम्योपैथी और आयुर्वेद में बहुत काम आता है, बहुत सारी दवाइयों में काम आता है, और विशेष रूप से अमेरिका में तो इसको दवाई में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कभी फिर डिटेल में वीडियो बनाते हैं कि हमें इस प्लांट से क्या क्या फायदे होते हैं। आज तो उसकी केयर के बारे में बता रही हूँ, आप उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है लास्ट में इंसेक्ट अटैक की, तो जनरली तो इसमें कोई इंसेक्ट अटैक वैसे तो नहीं लगता है, पर कभी कभी मिली बग या स्पाइडर माइट, ये दो अटैक इसमें हो सकते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो बस आपको क्या करना है, अगर आप खाली पानी से भी इसको वॉश कर देंगे तो वो हट जाएगा, नहीं तो आप नीम ऑयल वाला यूज करिएगा फार्मूला, और नीम ऑयल इसके ऊपर स्प्रे करिएगा पानी में मिला करके, 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालिएगा, साथ में कोई लिक्विड हैंड वॉश डाल दीजिएगा 8 से 10 ड्रॉप्स, और अच्छे से स्प्रे करिएगा, आप सारे इसके जो मिली बग वगैरह होंगे वो सब हट जाएंगे। वो प्लांट से कभी भी आप कभी कभी इसको इस तरीके से स्प्रे पानी से जरूर करिएगा, और मैं सोचती हूँ कि हर प्लांट्स को आपको अच्छे से नहलाना चाहिए शाम के समय, जिससे कि वो हेल्दी लगे, ग्रीन लगे। जितनी भी डस्ट वगैरह, आजकल ज़्यादा डस्ट हो रही है आंधी की वजह से, तो आपकी डस्ट भी प्लांट से हट जाएगी। तो दोस्तों हमें इस तरीके से अगर हम केयर करेंगे तो हमारा प्लांट जो है अच्छे से चलेगा। हमें ऐसा नहीं करना है कि प्लांट को नर्सरी से लाए और उसको ला करके रख दिया, तो अगर हमें उसकी केयर के बारे में पता होता है तो हम अपने प्लांट को अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड बाय।